यो बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल है, कैसे हो सारे, वेलकम टू अनदर व्लॉग, क्या हाल है सभी के। सो तो आज कुमार भाई जा रहे हैं दिल्ली एंड वहां पे हम एक इवेंट के लिए जा रहे हैं सैमसंग के, तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। वहां पे बहुत सारे क्रिएटर्स होने वाले, बहुत ही सारे, तो भाई बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो चलो भाई निकलते हैं, अभी सुबह के 8:30 बजे है, मेरी कैब आने वाली है 9 बजे, तो चलो कैब में ही निकलते हैं जल्दी से। बाय 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 बमचो। तो मैं घर से निकल चुका हूँ एंड अभी हम कैब में आ चुके हैं एंड अभी हमें आई थिंक 3 या 4 घंटे लगने वाला है दिल्ली पहुंचने में, तो मैं तो जा रहा सोने एंड तुमसे होटल में मिलते हैं। चलो तो मैं होटल पहुंच चुका हूँ फाइनली एंड भाई साहब मैं बहुत गंदा थक चुका हूँ यार, क्या ही बताऊं तुम्हें, मतलब बस थक चुका मैं बस। लेकिन होटल बहुत सेक्सी है, लेकिन ज्यादा सेक्सी है एंड मेरा रूम नंबर है 600 कुछ 655, पता नहीं कुछ तो है। एंड भाई साहब तुम कमरा देखोगे ना, तुम्हारी फट जाएगी, मेरी फट गई थी। देखो ये रही हमारी एंट्रेंस, ये रहा हमारा कमरा, ये रहा बेड जहाँ मैं सोऊंगा ऑफ कोर्स, और क्या ही करूँगा। यहाँ पे सैमसंग के तो गुब्बारे लग रखे हैं, प्लस यहाँ पे एक मफिन है छोटू सा, कहाँ पे ये रहा। भाई बहुत सेक्सी कमरा है यार, लीजिए बहुत ही सेक्सी कमरा है, यहाँ उन्होंने टीवी वगैरह दे रखा है। यहाँ पे एक मिरर है एंड इस मिरर में एक नल्ला बच्चा है, लेकिन अगर तुम तो इस मिरर को साइड करते हो, गेस करो तुम्हें क्या दिखेगा, ऑफ कोर्स फ्री पोन, आई मीन वॉशरूम। तो यहाँ पे नहाने वाला एरिया वगैरह है, वॉशरूम है, ऑफ कोर्स यहाँ से एंट्रेंस नहीं है इसकी, ये इसकी मेन एंट्रेंस एंड ये रहा वॉशरूम, सेक्सी। एंड सबसे फनी चीज बताएगा यहाँ पे ना, सबसे फनी चीज ये, यहाँ पे फोन क्या कर रहा है मुझे ये जानना है, मतलब यहाँ पे फोन की क्या जरूरत है, मतलब तुम यहाँ पे क्या गप्पे लगाओगे, क्या करोगे मुझे नहीं पता, मतलब हगते हगते तुम्हें क्या करना है, कॉल सेक्स या क्या, आई डोंट नो, बट ठीक है जो भी है सही है। शुरू भाई इतना, मतलब मैं क्या ही बताऊं यार, गजब चीज है भाई, लीजिए बहुत सेक्सी चीज है भाई ये, बहुत ही ज्यादा। अपनी बात कर रहा था मैं और किसी चीज की नहीं, ओवरऑल जो रूम है बहुत सेक्सी है, साला इतना सेक्सी है कि साला बेड पे बैठने का मन नहीं कर रहा है भाई, क्या यार खराब कर दूंगा बेड के वैसे पे, बट ठीक है फिर भी बैठेंगे, जो होगा देखा जाएगा, और खराब हो जाए क्या ही दिक्कत है। थोड़ा थक गया यार, बहुत बुरे वाला, अभी थोड़ी देर में हमारा इवेंट जो स्टार्ट होने वाला है, अभी 3:30 बजे, अभी 3 बजने वाली है, मैं जा रहा सोने मेरे को। ओके वो एक प्रॉब्लम हो चुकी है, इसको कैसे यूज करते हैं बहन का बच्चा यार, ये क्या चीज है, ये कैसे यूज हो, ये मुझे नहीं समझ आया। पहले मैंने ट्राई किया हाथ इधर उधर कर देगा, ये सेंसर सुन सरो, लेकिन ना नहीं चला। फिर मैंने इसको पूरा हिला दिया गोलू से को, घंटा नहीं हुआ, इधर से इसको ऊपर नीचे भी कर दिया, इससे कुछ नहीं होता भाई, ये ऊपर नीचे ये हो रहा है बस, इसका क्या करूंगा, पानी कैसे आएगा भाई, पानी कैसे आएगा मुझे जानना है, पानी कैसे निकलेगा इसके अंदर से, हेलो भाई पानी दे दे यार, हेलो भाई प्लीज प्लीज, पानी कैसे निकलता है भाई, ये टैप सब कुछ कर सकती है, पानी कैसे निकालेगी, लेकिन यार भाई साहब पानी कैसे निकलता है इसके अंदर से, मुझे नहीं समझ आ रहा भाई। नॉर्मल क्या होता है, टूटी में गोल घुमाओ पानी निकलेगा, इसको बहन का भाई निकल जाए यार, भाई बन के निकल जाए यार प्लीज भाई, हेलो भाई प्लीज, उंगली कर दूं क्या भाई, निकल जाए यार, कैसे निकलेगा भाई, मैं तोड़ ना दूं इसको भाई, बहुत बहुत फुद्दू काम हो जाएगा। ओ ओ अरे निकल गया, हेलो अरे भाई साहब निकल गया, अरे क्या बात है भाई, टूटी में से पानी निकल रहा है, ये कैसे हो सकता है, वाओ ये बड़ी है भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे लगभग 15 मिनट लगे इसको लाइक फिगर आउट करने में कि पानी कैसे निकलेगा, अजीब स्कैम है भाई। चलो बाकी पूरा रूम भी एक्सप्लोर कर लेते हैं एक बार। चलो भाई साहब ये तो बढ़िया यार, कुछ भी बोलो रूम तो बोल सकती है, ये यहाँ विंडो है क्या ये, हेलो खुलती है, तू इसका वो नहीं है क्या कोई डंडा सा, वो होता है यार वो जो तार से खींचनी होती है निकलने के लिए इसको, अब ये बहन की बच्ची कैसे हिलेगी, क्या सीन है इसका। Much later. Okay, boys. मैंने फिगर आउट कर लिया है कैसे खुलेगी। भाई साहब ये तो बड़ी गजब चीज है, तुम देखना और व्यू देखना, व्यू तो और ज्यादा गजब है, तुम भाई क्या चीज है, ये चीज क्या है, देखो स्विच दे रखे हैं, दो स्विच है, ये स्विच क्या करते हैं, अगर मैं इसको दबाता हूँ ऊपर की तरफ, देखो कैसे ऊपर जा रहा है, ये भी सही है, स्लो है बहुत लेकिन ठीक है, काम तो कर रहा है एटलीस्ट। उसके बाद अगर मेरे को दूसरे वाले को ऊपर करना है, जहां से मतलब होपफुली ऑफ कोर्स जो व्यू है वो दिखना चाहिए, तो मेरे को ये वाला करना पड़ेगा, ये वाला, तो अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो वो देखो आ रहा है ऊपर जा रहा है, तो वो देखो ऊपर जा रहे हैं और यहाँ का व्यू देखो, सामने एयरपोर्ट है, सामने एरोप्लेन खड़े हैं नल्ले से, क्या मजाक है
वो भाई ज्यादा ऊपर चला गया भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ओके थैंक गॉड रुक गया, पता चले बहन का बच्चा ऊपर वाला भी खींच ना लू मैं गलती से। सही है भाई ये तो बहुत बढ़िया यार, ऊपर से व्यू भी बड़ा सेक्सी है भाई, मतलब ये हाईवे यहाँ एरोप्लेन खड़े है, अब मैं यहाँ पे आराम से बैठ के उड़ते हुए प्लेन देखूंगा गंदगी के अलावा। वो देखो एक लाल प्लेन जा भी रहा है अगर तुम्हें दिखे तो। कहाँ पे था पे बोरा बोरा बोरा, वो छोटी मुन्नी की तरह हिल रहा है। अबे कहाँ चला गया भाई, ये तो बहुत बढ़िया यार, ये तो बहुत सही है, ये तो कैसे प्लेन चल रहा है। उई एक उड़ता एक उड़ा अभी एक उड़ा, अरे भाई ये उड़ गया यार, अरे नहीं यार वो तो बर्ड थी, नेवर माइंड। ये तो बड़ा गजब रूम है यार, मजा आ गया। लीजिए भाई सही रूम है, मजा आ गया। चलो भाई साहब ऊपर से ये बलून भी इतने सेक्सी हैं नल्ले से। अरे माँ का बच्चा उई। ओके मेरी सोच गंदी है, मैं कुछ नहीं बोलने वाला इस चीज। मेरी सोच गंदी बहुत गंदी बहुत गंदी, मेरे को हर जगह एक ही चीज क्यों दिखती है भाई, मैं बर्बाद हो चुका हूँ यार। बाय द वे इवेंट पे मैं यही पा के जाने वाला हूँ, तुम लोग कमेंट करके बताना कि कैसा दिख रहा हूँ। देखो जिसने चोमू लिखा ना मैं रो दूंगा, ठीक है दिख चोमू रहो वो मैं मानता हूँ, बट जिसने कमेंट किया ये चोमू गंदी बात नहीं करनी, ठीक है भाई। टीवी तो इनका बहुत बढ़िया बन गया यार, पहले मतलब ठीक था टीवी, लेकिन अब तो भाई साहब बेस्ट बन चुका है भाई, लेजिट बेस्ट, क्या बात है। नाइस चलो भाई थोड़ी देर में इवेंट जो स्टार्ट होने वाला है, मैंने खाना पीना कुछ नहीं खाया ना, मेरे को मिलने वाला है बिकॉज मैं लेट हो गया हूँ एंड तो वैसे ही जीना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली मेरे को, बट ठीक है मेरा भूख भी नहीं है, मेरा मन भी नहीं, सच बताऊँ तो भूख तो है पर मन नहीं यार, पता नहीं मेरे को वियर्ड सा लग रहा है। तो इवेंट पे मिलते हैं तुम लोगों से। भाई इजी विन करेंगे, चलो लेट्स गो। ये देखो यहाँ पर गेम प्ले देखेंगे, क्या फर्स्ट आना है अपन को, फर्स्ट फर्स्ट शौक है भाई की पावर देखते भाई, सेकंड की होता भाई भाई। अरे शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया क्या भाई, होगा होगा होगा, लेट्स गो। चलो चलो फर्स्ट ना, अरे सिक्स तो फर्स्ट भाई फर्स्ट। वी वांट यू टू पंप अप एंड मोटिवेट अ गेमर्स, अ गैलेक्सी गेमर्स हियर विद योर वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड। थैंक यू वेरी मच फॉर लविंग आवर गेवर्स टुडे, रियली द गैलेक्सी स्टेट 3 FPE दिस another step was then we have somebody who loves chocolate and magic at the same time. Put your hands together for Choco Wizard. Then uske baad we have got a Guruji with us. Apne S23 FE pe practice kar hi rahe hain. But I think we are ready. The voice in my head says it is time to raise a bit piece, getting that little advantage and for a start. Instantly आपने 360 मार के वो boost advantage लेके आगे चले गए, but engineer भाई साहब की तकरार कुछ भीड़ को बरकरार रखनी पड़ेगी उन्हें। Oh my god, ये ऐसा crash, अब this is a huge huge setback guys. भाई easy four था क्या, और क्या चाहिए बिना DNF के, और क्या चाहिए यार, चलो let's go. ये मजाक है भाई, hello. Okay. क्या खाली पड़े भाई, भाई क्या कर, कोई भी नहीं है,
क्या मजा आ गया अद्दोगी भाई। विजय भाई अगर मुझे मेरे भूत भूत पड़ गया मैं क्या करूँगा। अरे यार ये तो डेंजरस चीज है। ओ ये रहा मेरा कमरा, ले लो भैया जी अंदर। चलो भाई फाइनली। भाई कुछ भी बोलो इवेंट बहुत बढ़िया था, लेकिन सबसे ज्यादा बढ़िया था, मजा आ गया। मेरे को पता नहीं था ना कि ना हमें ना यहाँ पे ना कंपटीशन में पार्ट लेना पड़ेगा। मेरे को कोई आईडिया नहीं था, मेरे को जाना है मजे करने और आ जाना है। साला वहाँ पे स्टेज पे चढ़वा दिया भाई, उसके बाद मैं पहली बार गेम खेला वो पहली या दूसरी बार खेलाऊंगा मैं, और फोर्थ आ गया। आठ बंदों में से फोर्थ कैसे आ गया, मेरे को पूरी उम्मीद थी DNF5 और बेइज्जती हुई थी बहुत तगड़ी वाली। मैं फोर्थ था, मैं फोर्थ, ये कैसे हो गया। बट ठीक है मेरे को चलेगा, अविन इज अविन, इवन दो विन नहीं है वो, बट ठीक है मेरे लिए विन है भाई, मेरे जैसों के लिए वो विन होती है तो मैं बहुत खुश हूँ। एटलीस्ट मैं लास्ट नहीं आया, मुझे चलेगा। तो अभी तो मैं यहाँ पे रेस्ट करने वाला हूँ क्योंकि मैं बहुत गंदा वाला थक चुका हूँ। लेकिन अभी हम थोड़ी देर में डिनर करने जाएंगे, पता है मैं ब्लॉग रिकॉर्ड करूँ या नहीं करूँगा, क्या पता कर लूँ। तो यस कुछ खाएंगे पिएंगे क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, लिजिट मैंने सही में कुछ नहीं खाया। सुबह मैं ब्रेकफास्ट किया था, उस समय यहाँ पे आया, मेरे को भूख नहीं थी, मेरा वियर्ड सब मतलब मेरे को एंग्जाइटी हो रही थी, क्या हो रही थी मेरे को नहीं पता, बट कुछ तो हो रहा था कि मेरी भूख बिल्कुल जीरो हो चुकी थी तो मैंने कुछ नहीं खाया। तो अब मैं कुछ तो खा रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो खा रहा हूँ मैं यहाँ पे, बट अभी डिनर करना है मैंने फाइनली। तो अभी थोड़ी देर मैं डिनर करने जाऊंगा, लेट्स सी क्या मिलता है अपने को, एंड चलो तभी मिलते हैं। ओके तो मैं डिनर करके वापस आ चुका हूं, एंड भाई साहब मैं बहुत बुरा थक गया हूं, लेकिन कुछ भी बोलो मजा बड़ा आया। मतलब ये मेरे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था, एक ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे पहली बात तो बहुत सारे क्रिएटर थे, और दूसरी बात जिनमें से मेरे को कोई दोस्त नहीं था, मेरा कोई जानकार नहीं था, उसके बाद भी इट वॉज बहुत बढ़िया, लाइक मजा आ गया यार लेजिट। सो बहुत बढ़िया इवेंट था, बहुत मजा आया। एंड कल मैं सुबह जा रहा हूँ घर फाइनली, एंड मतलब हाँ ठीक है आज रात भी यहाँ सोएंगे मजे से। चलो ओके वैसे तो मैं वापस आ चुका हूँ, एंड भाई सैमसंग की तरफ से हमें एक छोटी सा गिफ्ट भी मिला है जो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो भाई तो ये रहा हमारा एपिक स्टार्ट शेयर, एक बैग जिसके अंदर बहुत बढ़िया सामान है, प्लस एक और बढ़िया चीज है गैलेक्सी S23 FE, ये भी सैमसंग की तरफ से हमें मिला है। प्लस यहाँ पे हमें दो तीन और चीजें मिली हैं, एक तो हमारे पास यहाँ पे कॉफी मग है सेक्सी सा, भाई देखो कितना सही है, आजा बाहर आजा लेट्स गो, इतना बढ़िया यार। ये बात लगे मैं कॉफी नहीं पीता, फिर स्टार्ट कर लेंगे क्या ही दिक्कत है, बढ़िया यार ये भी। प्लस हमारे पास यहाँ पे एक और चीज है, एक सैमसंग की डायरी जिसमें अच्छी अच्छी चीजें लिख सकता हूँ, तुम्हें पता मैं क्या गंदी गंदी चीजें लिखने वाला हूँ, तुम जानते हो, लाइक कोई पॉइंट नहीं है बताने का। तो डायरी भी है, प्लस एक और चीज है जो मैं गुमा चुका हूँ, शिट क्यूट सा पेन भी था यार, वो पता नहीं कहाँ चला गया, बट एक पेन भी था, बट ठीक है। जो भी हो भाई इवेंट बहुत बढ़िया था, मेरे को बहुत मजा आया, एंड एक दिक्कत थी बस एंड में मेरी तबीयत खराब हो गई थी बहुत तगड़े वाली, तो मैं आफ्टर पार्टी अटेंड नहीं कर पाया, अदरवाइज इट वाज वेरी वेरी फन, बहुत मजा आया मेरे को। चलो अगर तुम्हें ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, हमारा लाइक है पूरे 10 करोड़ लाइक का प्लीज करना, वैसे हमारा लाइक है 1000 लाइक का है, नहीं 2000 लाइक का है, नहीं 3 4 5 6 10 जितने ज्यादा कर सकते कर देना यार, ठीक है। अभी मैं चलता हूँ, अगले बाय बाय, तुमसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले बाय बाय।